आज मेरे साथ मेरे ड्राइंग रूम में पहली दफ़ा देखेंगे नुसरत जावेद एंड मुश्ताक मिन्हास, आदाब एंड खुश आमदीद मेरे इस छोटे से गरीब खाने में। अगर आप लोग बुरा ना माने तो आप लोगों से एक रिश्ता जोड़ लूँ जी प्लीज। आखिर हमारा ताल्लुक एक घर से है जिसको हम आज का नाम देते हैं, तो उस रिश्ते से आप दोनों मेरे भाई हुए और मैं आप दोनों की बहन। मेरा इस मामले में रेपुटेशन ठीक नहीं है। अच्छा। मैं आमतौर पे बनाया नहीं करता। अच्छा। कुछ और कर लें, एक साथ रख लें। मैंने कहा घर में खाली बहन भाई नहीं होते, और भी होते हैं। मैंने कहा बहन भाई बनाने वाले भी तो होते हैं। मैंने कहा जान ये भी आपने सही कहा, लेकिन फिलहाल हम यही समझेंगे देखने वालों के लिए कि हमारा कुछ बहन भाई जैसा रिश्ता है। फिर बात आप मुझे बरादरी निस्बती समझ लें। अच्छा, अगर इतना इसरार कर रही है। चले बड़े अच्छा नहीं लगता ना, आपकी वजह से एक तो बहुत फ़ायदा हुआ ना, लोगों ने मुनाफ़त छोड़ी। हाँ, तो अब आप ही के शो में बैठ के मैं और आप मुनाफ़त कर रहे हो तो अच्छा तो नहीं लगेगा। नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने कहा मैं तहे दिल से आपकी बहुत इज्जत है। घर वाले ही? हाँ घर वाले ही, बहन भाई नहीं। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि इस घर को छोड़ के दूसरे घर चली जाऊँ। आखिर मैंने क्या कहना चाहिए, लड़कियाँ तो पराई अमानत होती हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है ना, आपको जाने किसने देना है, लाए हैं अभी बड़ी मुश्किल से। और मुझे आपसे वैसे गिला है। क्या आज आपको चाहिए था कि मुश्ताक को कुछ पैसे वैसे देकर मरी वरी भेज देती, मुझे अकेली बुलाती। हाय अल्लाह। नहीं नहीं मुश्ताक, मुझे भी गिला है। हाँ, वो क्या है? आपने इनके साथ वैसे मुझे नथी कर रखा है, ये सिर्फ बोलता पाकिस्तान में इकट्ठे होते, वरना हमारी जो फील्ड है बिल्कुल अलग अलग है। तो और मैं आज तक बोलता पाकिस्तान देखकर यही समझती रही कि जिस तरह करण अर्जुन की जोड़ी, जिस तरह राम लखन की जोड़ी, ऐसी जोड़ी है ये। बेहतरीन ये है, काश इस सीता को कोई गीता भी मिल जाए तो शायद मेरा शो भी आप लोगों की तरह सक्सेसफुल बन जाए। नहीं वो जरूरी तो नहीं कि गीता ही मिले, सीता के और भी जो रिश्ते थे जिसके लिए इतना अरसा वो रहना पड़ा। मैंने कहा मेरी जान नुसरत, मैंने कहा कि अच्छा मैं माशरे को तो इल्ज़ाम इसलिए नहीं देती, दोष इसलिए नहीं देती कि मैं समझती हूँ कि माशरा बेचारा तो अफेक्टेड माशरा है, क्योंकि जितना कुछ इस माशरे को बेचारे को और यहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ता रहा है और पड़ रहा है हर रोज़, तो मैं समझती हूँ कि देर बैडली अफेक्टेड। और फिर जब आप असरअंदाज होते हैं तो फिर उसका किसी ना किसी तरह इजहार होता है, और शायद वो नेगेटिविटी में और इस किस्म की, यानी जो एक इनसेंसिटिविटी जिसको आप कहते हैं, उसमें अपना को मैनिफेस्ट चीज़ करती है। एक तो पहले तो बोल रहा था, एक इलेक्शन हुए उसमें फिर बोलना बंद हो गया, फिर एक और इलेक्शन हुए 18 फरवरी को, फिर उसमें पाकिस्तान बोला और इतना बोला कि जो पाकिस्तान को बोलना बंद कराना चाह रहे थे अब उनकी बोलती बंद है, और अब वो खुद सोच रहे हैं कि अब वो किस तरह से बोलें, कहना चाहते हैं इजहार नहीं कर पाते, सलाम व प्याम दूर दूर से भेजते हैं लोगों के जरिए, कोई इधर से कोई इधर से, लेकिन बहरहाल अब उनको एक चीज़ की समझ है कि जब वो कहते थे कि पाकिस्तान के लोग जमहूरियत से बड़े दूर हैं, अभी जाहिल हैं, गवार हैं, शोर से आ रही हैं, कुछ पता नहीं है इनको, पता ही नहीं है जमुना रवैया इनको, ना एजुकेशन है इनकी। तो उनकी तरफ से जो रिजल्ट्स आए हैं, फिर स्पीकर माशाल्लाह खातून बनी जो यूरोप में भी किसी को अभी बहुत से ममालिक में नसीब नहीं, नैन्सी पेलोसी है अमेरिका में, इससे पहले भी हम तजर्बा कर चुके हैं 88 में, अभी अमरीका तो अभी हिलरी क्लिंटन को उम्मीदवार बना रहा है, तो हमने तो मुस्लिम दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ से दी। तो हमारे जमहूरी शोर की वजह से जो एक रिजल्ट आया वो रिजल्ट हजम नहीं हुआ। इन्होंने कहा, जिक्र किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के वालिद मोहतरम की शहादत का, तो अभी एक बहुत बड़ा सेटबैक जो पीपल्स पार्टी को मिला 27 दिसंबर को, एंड आई थिंक मोर देन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज अ सेटबैक फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैं समझती हूँ कि उन हालात में भी सिनारियो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। एक मुख्तलिफ थोड़ी सी बात है कि आपको जैसे मुश्ताक बता रहे हैं गाने के सिलसिले में, या मैं भी आप नहीं कहूँगा तुम से तू तो हो ही गया ना, तो जैसे मुश्ताक ने समझाया ना तुम्हें, तो हुआ ऐसे है कि दोनों ने बेचारों ने मार खाई है और कोई कम नहीं हुआ। 8 साल तक आसिफ अली जरदारी जो मर्जी कहते रहे जेल में रहा है, हाथ बांध के आप इनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रस्सियों से, और बैठ के सोचना पड़ता है कि ये क्यों किस लिए। मेरा नहीं ख्याल कि अभी के वक्त में, और देखिए एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि 1970 पे जब भुट्टो साहब आए थे ना, भुट्टो साहब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे,
वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, उन्होंने हमारी सोसाइटी को फॉर एवर स्प्लिट कर दिया था एक इनकलाब का मैसेज देकर, रोटी कपड़ा मकान का, उन्होंने कोई एस्टेब्लिशमेंट को उसके मुकाबले में मोहतरमा, शायद प्रॉबेबली उसका इसमें उनका औरत होना भी शामिल था, शी हैड दिस सूदिंग एस्पेक्ट अबाउट हर कि वो सीमेंटिंग फैक्टर थी उनमें, एक केयरिंग, एक जो क्रेसिंग, एक जो साइट होती है ना वो उनके अंदर थी। और उनकी जो एक बहुत बड़ी मिसाल है मसलन जैसे यू वुड मिमिक हर अ लॉट एंड शी वुड लव टू हैव यू अराउंड, खुश होती हूँ मैं। अच्छा अब मैं हमेशा जब भी जो है वो मरहुमा हुकूमत में होती थी तो आई वुड यूज़ टू बी बहुत ज़्यादा, यानी कि बाज़ औक़ात तो समझे कि यानी कि तेज़ाब में लिख के कलम तो लिखा करता था, बट शी वुड एंजॉय इट थॉरली एंड देन शी वुड से क्या बात है, यू आर फीलिंग सो लोनली, डोंट यू हैव एनी गॉसिप टू राइट अबाउट टुडे, यू नो विद ऑल दैट ईज, एंड देन शी वुड मेक इट अ पॉइंट कि ये जो जर्नलिस्ट हैं जो मुझे यानी क्रिटिसाइज करते हैं इफ़ दे आर ऑनेस्ट तो आई शुड डू समथिंग फॉर देम, मतलब शी विल गो आउट ऑफ हर वे। मुश्ताक, मुझे पता चला कि आप FC कॉलेज में हुआ करते थे, जी हाय, किस साल की बात थी ये? 85-89 की बात है और ये वही FC कॉलेज है जहाँ सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब पढ़ चुके हैं और ये सारी हुकूमत जिसमें राव सिकंदर इकबाल थे, जहाँ चौधरी परवेज़ इलाही थे, चौधरी शुजात थे, लेकिन ये काफ़ी थोड़ा सा पुराना, हमसे काफ़ी सीनियर्स थे, तो इसलिए उन्होंने पहली मर्तबा जो इक्तदार का खेल है वो गवर्नमेंट कॉलेज वालों से लेके तो FC कॉलेज ने बनाया, लेकिन कोई ज़्यादा अच्छा तजर्बा साबित नहीं हुआ। मेरे बड़े फ्रेंड्स थे वहाँ पर FC कॉलेज में, लेकिन वो शरीफ किस्म के लोग थे, वो इस किस्म के खेल नहीं रचाया करते थे। वैसे आई माई सेल्फ वेंट टू कनेट, कनेट कॉलेज साथ ही था हमें अपने ब्लॉक से ज़्यादा कनेट कॉलेज के गेट जो है उसकी जितनी भी सलाखें थी वो ज़्यादा याद थी हमें, लेकिन वो उस वक्त की बात थी। हाँ, बट आई वॉज लिटिल सीनियर, जानी लिटिल सीनियर, आई होप दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ डिटरेंट, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम ड्रीमिंग, होपिंग, मे बी थिंकिंग, है ना, सोच पर कभी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। पाबंदियों की बात हो रही थी नुसरत, और मीडिया पे आप लोगों पर बैन लगा, चैनल्स पे बैन लगा, ये उन्हीं साहब के दौरे हुकूमत में हुआ हु यूज़ टू बी द बिगेस्ट चैम्पियन ऑफ मीडियाज़ फ्रीडम एंड लिबरेशन, और जबकि मैंने उनकी आज तक जितनी भी तकरीरें सुनी हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे जॉन स्टूअर्ट का शो हो या कहीं भी हो, या अतिका ओढ़ो का शो हो, उन्होंने हर जगह एक चीज़ बोली है कि मैंने मीडिया को आज़ाद किया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी प्लीज़ कि मीडिया को परवेज़ मुशर्रफ साहब, सदर मुमलिकत परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कितना आज़ाद किया? देखिए, जहाँ तक तो चीज़ों को I mean, ये ऐसे ही है जैसे वो कहें कि मैंने पाकिस्तान में मोबाइल दिए, मैंने पाकिस्तान को लैपटॉप्स दिए। एक टेक्नोलॉजी है आज के ज़माने में, यू कैन नॉट स्टॉप एयरवेव्स, ठीक है जी। अब बात जो है वो करने की ये है कंटेंट की, ये तो आज के ज़माने की बात करते हैं ना, बात ये है जितने भी बड़े बादशाह हुआ करते थे, अकबर, तो वो एक इन हाउस कॉमिक रखा करते थे, शेक्सपियर के ड्रामे देख लें उसमें वो फैटसो सा जो करेक्टर होता है, लेकिन वो भांड मरासी रखे जाते हैं कि बादशाह का दिल बहलाएं लोगों पे तमस्कर करके, लोगों का मजाक उड़ा के। लेकिन एक बात मैं कम अज़ कम ये कहूँगा कि उनकी तरफ से पाबंदियाँ आईं, लेकिन सिर्फ एक साल, जो गुज़श्ता एक साल आप देखें मीडिया ने अपना एक रोल प्ले किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो बाकी जो डिक्टेटर्स थे या हमारे जो साबिक हुकूमत थी जिसमें मोहतरमा की हुकूमत भी आई, माशाल्लाह बड़ा इनके साथ उनका बड़ा ताल्लुक था, नवाज शरीफ साहब भी थे यहाँ पे, मुकदमात भी बने जर्नलिस्टों के साथ, पकड़े भी गए, इनको खुद मार पड़ी आज तक, जब आप हम रात को 11 बजे प्रोग्राम कर रहे होते ना तो ऐसे मैं इनको कहता हूँ, इधर कहते हैं जी मेरी गर्दन में तकलीफ है, इन ब्रॉडर टर्म्स ही इज राइट, लेकिन वही ले आई फिर काम वाली बात, लेकिन वो एक शेर है ना, मारा जो तूने, वो एक शेर मुझे के मारा जो तूने फूल वो पत्थर से कम नहीं, क्योंकि आप तो ये कह रहे थे मैंने मीडिया को खोला, तो आप जब ये करते हैं ना तो फिर मारा जो तूने फूल तो वो इट हर्ट्स इवन मोर, हमको आजादी भी मिली तो इस कदर नासिक जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे, इतनी सी बाकी, लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत, लेकिन एक चीज़ का मुझे दुख सिर्फ ये है कि आप बड़े फख्र से वहाँ बैठ के मुझे बता रहे हैं कि मेरे नुसरत को
मार पड़ी, इनके क्या हुआ था, मोरे हिल गए। हाँ, आपकी कभी पब्लिक फ्लॉगिंग नहीं हुई, कभी कोड़े नहीं खाए पब्लिकली? कभी, अल्लाह का फजल। जानी, आई हैव अ परफेक्ट वे। हमने स्टूडेंट नो पब्लिक इन्वॉल्वड, वुड यू लाइक टू एक्सपीरियंस हाउ इट फील्स? स्टूडेंट दौर में यकीनन लाठी चार्ज भी हुए होंगे, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जो है, हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर कभी लाठी चार्ज नहीं हुआ। एक दो मरतबा जब मैं नहीं था वहाँ पे हुए भी हैं, लेकिन इत्तफाक से जब भी जर्नलिस्टों को मार पड़ी या स्टूडेंट्स को मार पड़ी, इत्तफाक से मैं वहाँ पे भाग लेते थे। वैसे नहीं भागते नहीं, शायद मैं वहाँ था ही नहीं, तो मेरे ख्याल में मुझे देख के लोग वैसे भी आम तौर पर इस किस्म के मुजाहिदीन का कैरेक्टर इसी तरह का होता है। लोगों को भेजते रहते हैं, नहीं जाओ अफगानिस्तान जिहाद करो। मैम देखें, अब बात खुल में होनी चाहिए। और वैसे भी अब तो मुकाबला कितना ऑब्वियस हो गया। हाँ, बिल्कुल, अब तो इसमें तो कोई लिहाज ही नहीं, लिहाज छोड़ दीजिए। तो और आप मेरे साथ जा रहे हैं बैंकॉक। हाँ, मैं आपके सारे जो हिले हुए मोरे हैं ना, उनको ठीक करवाऊंगा। आपकी वैसे आप भी करिए, लेकिन ये इंतजाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है, सरकारी खर्च पे इनका होगा ये सारा इलाज, क्योंकि इनकी जो है हमें क्या जरूरत है सरकार के खर्च पे जाने। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी बात है ना, मसाज सरकारी मसाज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। सब पाकिस्तान की आवाम, हमारे सब देखने वाले, दरअसल हम सब अगर खुद कायदे अजम बन जाएं तो क्या ही बात हो जाएगी। मेरा तो ये दिल करता है कि आपसे जितने भी सवाल करूं ऑफ कैमरा करूं, लेकिन अब क्या करें, एक कैमरे पे पूछ लूं। पूछिए ना। उनसे कभी कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश नहीं की जिनसे अतीका उद्दूर ने की है कुछ दिन पहले? हाय, बहुत मैंने तो चाहा कि कॉन्वर्सेशन हो ही जाए, लेकिन वो उस मनाजिरे के लिए तैयार नहीं। बल्कि अब आपने याद कराया तो आज टीवी, जिसकी आज सालगिरह भी है, और मैं चाहूँगी कि अगली सालगिरह भी मनाए, लेकिन इस मौके पर मैं आपको ज़रूर एक मनाजिरे का चैलेंज पेश करूँगी कि अगर है हमसा कोई तो सामने आए। मनाजरा ज़ालिमाना बात है, फिर फैसला आवाम पे छोड़ देंगे। आप कहें आई वांट टू कन्वर्स विद यू, यू कहें ना। हाँ जान, आई वांट टू कन्वर्स विद यू, व्हाई नॉट। आखिर में अतीका में वो क्या है जो मुझ में नहीं? एग्जैक्टली दैट रियली, यू नो, यू अंडरस्टैंड दैट। और लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर हम जो एफर्ट कर रहे हैं वो ये है कि तू ना आया तो हम चले आए उस घर में, वो याद आ गया ना घर, बिल्कुल याद। अच्छा, लेकिन फर्नीचर के बारे में भी चन्योट से ही होगा यहाँ पे भी? अच्छा, आज चूंकि हमारे घर, हमारे चैनल, आज की सालगिरह है आज, तो मैं चाहूँगी कि इस मौके पर आज के बारे में भी, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस बीन वर्किंग विद आज टेलीविजन? एंड जहाँ तक तो मेरी बात है, ईमानदारी की बात है कि आई नेवर इमेजिन कि दो चीज़ें होती हैं जो आप इस प्रोफेशन में चाहते हैं। या तो बहुत ही ग्रीडी हूँ, मेरा ख्याल है ये मेरे खिलाफ तो नहीं पॉइंट जाएगा, नहीं, नहीं, वो जो नहीं, हम प्लान कर रहे हैं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, खुल के बोलिए। तो नहीं नहीं नहीं, मैं वो अपने नहीं नहीं उस हिसाब से भी नहीं जाएगा, तो वो ये नहीं, आई एम नॉट द मटेरियल टाइप, ओके। तो लेकिन अदरवाइज माशाल्लाह जेनरस, नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स जानी, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं। तो एक तो बात ये होती है कि इफ यू डू नॉट वांट टू अब्यूज योर पोजीशन एक सहाफी के तौर पर, तो फिर एक ही चीज़ होती है, आप चाहते हैं कि आप जो लिखें या बोलें वो आपको वो कहने की आज़ादी हो। मेरा अपना ये ख्याल है कि जितना फ्रीडम एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट में मैंने आज पे रैलिश किया है, मैंने सारी ज़िंदगी सिवाय जर्नलिज्म के और कुछ नहीं किया, और मैंने इतना किसी और जगह रैलिश नहीं किया है अभी तक जी। ये मैं बात बिल्कुल ध्यानदारी से कह रहा हूँ, एक्सेप्ट एक पीरियड में कॉलम लिखता था दी न्यूज़ में व्यू फ्रॉम द गैलरी, वहाँ पे भी टू बी फेयर, हमें फेयर होना चाहिए था, आई नेवर नेवर फेस्ड अ प्रॉब्लम। दूसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ बड़ी रेयर है हमारे प्रोफेशन में, मुश्ताक जो है ये एक परमानेंट एम्प्लॉय है आज का, इज़ देयर नेशनल चीफ रिपोर्टर। ये प्रोग्राम बोलता पाकिस्तान जो करता है इन एडिशन टू हिज, ये उनका रेगुलर आदमी, वाइल मैं जो हूँ मैं सिर्फ ये प्रोग्राम करने आया था, मेरा आज की मैनेजमेंट से, आज की इंतज़ामिया से कोई ताल्लुक नहीं था। जैसे ही मैं बैन हुआ तो बिल्कुल प्रोफेशनली बड़ी लिजिटिमेट बात थी कि मुझे आज की इंतज़ामिया कहती कि भाई ठीक है आपका प्रोग्राम बंद हो गया है, तो जब होगा तो मोस्ट वेलकम, माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इन लोगों ने, मित्तलत ने और ओनर्स, सॉरी जुबैरीज ने और साथ इन मुश्ताक ने, बाकी दोस्तों ने भी
दे फोर्स्ड और बाकायदा कन्विंस करके रब इन कर करके दे मेड मी डायरेक्टर करंट अफेयर्स, यानी बजाय जान छुड़ाने के एक गुड रिडेंस ऑफ द बैड रविश, तो ऑलरेडी एक मौका मिल रहा है कि बैड रविश को जो है वो ठीक है गुड रिडेंस करने के, दे फोर्स मी टू ज्वाइन द परमानेंटली। और आज हमें मई से हमने प्रॉपर ये प्रोग्राम हमारा ऑन एयर गया है, नॉट वंस आई हैव एवर रिसीव्ड एनी कॉल फ्रॉम माई ओनर CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तलत हुसैन के यार क्या किया, बल्कि समवन अप्रोच देम, उनको अगर करते हैं तो वो कहते हैं जी वी डोंट नो, आप बात कर लें। और मेरे सिलसिले में तो तलत हैज़ अ वेरी स्ट्रेट आंसर कि अभी नुसरत ने को तो मुझसे भी ज़्यादा अरसा हो गया जर्नलिज्म में, तो यू शुड बेटर टॉक टू हिम, मैं उसको क्या समझाऊंगा कि क्या कहना है या नहीं कहना। सो दिस इज़ वन थिंग आई मस्ट। मेरा तजुर्बा भी इसी तरह का रहा, और मैं डे फर्स्ट से आज टीवी के साथ हूँ, जब आज टीवी अभी 23 मार्च को ऑन एयर नहीं हुआ था, ये 2005 की थी, हमने जनवरी 2005 को ज्वाइन किया, यानी 3 माह पहले। और बेसिकली मैं तलत हुसैन की टीम का हिस्सा था, हम ARY में होते थे, मैं रिपोर्टर होता था वहाँ पे, वो ब्यूरो चीफ थे, तो हम यहाँ पे आए तलत साहब के साथ ही। और मैं ये समझता हूँ ये जो 3 साल मेरे गुजरे हैं यहाँ पे, 3 साल 3 माह, ये आप ये कह सकते हैं कि मेरे करियर की क्रीम है, ये कैसे ऐसे असासा है मेरे लिए, एसेट है, कि अगर मैं ये 3 साल 3 माह अपनी सहाफ़ती करियर से निकाल दूं तो पीछे शायद इतना थोड़ा सा बच्चे के शायद वो नज़र भी ना आए। यहाँ आके बोलने की, लिखने की और एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिली, इज़्ज़त मिली, शोहरत भी मिली, आपकी तरह का प्रोग्राम तो नहीं है लेकिन एक छोटा सा प्रोग्राम बोलता पाकिस्तान की वजह से लोगों ने पहचानना भी शुरू कर दिया, अब लोग ऐसे कनखियों से देखते हैं जब बाज़ार में, तो अच्छा भी लगता है कि हम इन्हीं सड़कों, इन्हीं बाज़ारों, इन्हीं गलियों में एक रिपोर्टर की हैसियत से जाते थे, उसमें ज़्यादा मज़ा आता था कि हम कुछ कर रहे हैं और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठ के यहाँ तक आए हैं, एक बिल्कुल एक ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पर ये सहाफ़त, मीडिया, ये रोशनियाँ ये नहीं थी। लेकिन यहाँ आज TV की बदौलत और अब लोग पहचानना भी शुरू कर देते हैं, कभी आ जाता है कोई, तो ये सारा अच्छा लगता है। मेरे ख्याल में आज TV ने कॉन्फिडेंस भी दिया, इज्जत भी दी, एक एतमाद भी दिया, और इसके साथ साथ ये है कि लोगों की मोहब्बतें दी, मेरे लिए तो आज ही सब कुछ है। और नाजी जालिम लोगों ने तो ये भी ना बताया होगा, आज से 2 साल पहले जब मैं काम भी नहीं करता था आज में, तो 2री सालगिरह का या 3री का इनका प्रोग्राम था, इस्लामाबाद के एक अंडरग्राउंड होटल में हो रहा था, तो मैंने कहीं जाना था, तो मैंने कहा यार कि मुझसे जल्दी से अगर कोई बात करनी है तो कर लें। तो डॉक्टर शहजाद वसीम उस जमाने में स्टेट मिनिस्टर थे, वो वहाँ बैठे हुए थे, तो तारिक चौधरी साहब जो ब्यूरो चीफ है वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी नुसरत साहब, तो मैंने कहा भी आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ आज, मैंने कहा जी क्यों, मैंने कहा आज ने ब्रेक कर दिया है बिल्कुल सारी जो बात है, मैंने कहा जी क्यों, मैंने कहा जी बेगम नवाज़ शो, यू नो व्हाट हैपेंड, वो स्टेट मिनिस्टर रो पड़ा कि ये आप TV पे ना चलाए। मैंने कहा पाकिस्तान को जितना ट्रूली रिफ्लेक्ट वो शो कर रहा है हमारे यहाँ की सारी हिडन कॉन्ट्रडिक्शंस को बिल्कुल ओपन में लाके, वो चलने भी नहीं दिया और आपको भी किसी ने बताया नहीं, देखा तो 2 साल लगे, अब मुझे अपने मुंह से खुद बताना पड़ा, वो भी पब्लिकली, काश के पहले मिल लिया होता।